दोस्तों आज का प्लान बहुत ही स्पेशल होने वाला है और आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये फ्रंट एलिवेशन की अगर हम बात करें तो आपको एक बेहतरीन सा देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको एक पोर्च टाइप का मिलता है। शायद बेडरूम से फ्रंट एलिवेशन में आपको विंडो वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका साइज़ की बात करें तो 36x38 अप्रॉक्स है। इसी में ये पूरा डिज़ाइन क्रिएट किया है क्योंकि 3 साइड क्लोज्ड और फ्रंट में ओपन है। तो सबसे पहले अगर बात करें इस वीडियो के, तो इसमें आपका जो फ्रंट एलिवेशन है इसमें आपका ये पोर्च टाइप का देखने को मिल रहा होगा। साइड दोनों साइड में सिमिलर बिल्कुल आपके बेडरूम है। बेडरूम आपके राउंड शेप में है जो आप देख पा रहे होंगे। और अगर सबसे पहले अगर हम बात करें इन और मॉडल्स की, तो इसमें ये एक स्पेशल मॉडल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो फ्रंट लुक है इसका वो आपको बेस्ट देखने को मिलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस मान लो उस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाने से मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। इस मान लो उस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड नए नए मॉडल्स, नए नए होम डिज़ाइन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, तो आप देख कर एक आइडिया ले सकते हैं। जब भी आप घर बनवाएं तो एक बार विजिट करें और आपको एक नया लुक मिलेगा, नया डिज़ाइन मिलेगा घर के लिए आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर से हम स्टार्ट करेंगे। उसके ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में आपको सबसे पहले देखिएगा, ये आपको एक पोर्च टाइप का मिलता है जो कि फ्रंट एलिवेशन में, जिसमें 4 पिलर देकर मैंने पोर्च बनाया है। और लेफ्ट हैंड साइड में की अगर बात करें तो ये आपको एक बेडरूम मिलता है, राइट हैंड में बेडरूम मिलता है। इन दोनों बेडरूम सिमिलर है, बस आपका यहाँ जो विंडो का स्टाइल है वो फ्रंट में राउंड शेप में है और साइड में स्क्वायर शेप में मैंने दिया है दोनों तरफ। तो मेन एंट्री आपकी यहाँ से होती है, मेन डोर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे। ग्लासेस मेन डोर के दोनों साइड में ग्लासेस यूज़ किए हैं मैंने। और आप जैसे आते हैं तो आपका ये पूरा एक बड़ा सा हॉल देखने को मिलता है जो कि डाइनिंग हॉल बना सकते हैं कुछ भी लगभग। आप ये एरिया बहुत ही होने वाला है तो ये पूरा इसी हॉल से आपकी सभी जगह एंट्री है। यहाँ पर आपको ओवरऑल 4 बेडरूम मिलते हैं। चारों बेडरूम कॉर्नर पर हैं। यहाँ फ्रंट में 2 बेडरूम है कॉर्नर पर, फ्रंट बेड कॉर्नर्स पे, और लास्ट वाले कॉर्नर पर भी दोनों तरफ बेडरूम आपको मिलते हैं। बीच में जो जगह आपका है इसमें दोनों में 2 मैंने लेट एंड बाथ क्रिएट की है जस्ट बगल में। और आपका जो बीच में जगह ये छूट जाता है तो इस साइड राइट हैंड साइड में आपका किचन है और लेफ्ट हैंड साइड में आपकी स्टेयर्स है जिससे आप ऊपर जा पाएंगे। अंदर के प्लान की बात करें तो आपको एक नॉर्मल और बेहतरीन सा देखने को मिलता है जिसमें काफ़ी स्पेस है, प्रॉपर वेंटिलेशन है और आपका कोई भी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं है, तो ओपन एयर बिल्कुल मिलता है। अगर हम बात करें इन बेडरूम्स की तो ये देखिए फ्रंट से ही इसका डिज़ाइन अलग है और नॉर्मल से बेडरूम से ये दोनों लेटर्न बात हैं। इधर स्टेयर से आप ऊपर जाएंगे और ये आपका किचन है, ये आपका पूरा हॉल है जहाँ पर आप एक जाल वगैरह रखवा सकते हैं। तो ये मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, इससे आपको और इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिले। यहाँ पर जो मैंने टेक्सचर दिया वो ईंटों का ही दिया है और मैंने यहाँ पर पेंट वगैरह कुछ भी नहीं किया, एक नॉर्मल सा घर क्रिएट किया है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर क्या है, बिल्कुल सिमिलर ही है। स्टेयर्स के माध्यम जैसे आप ऊपर आएंगे तो पूरा सिमिलर है, जैसे नीचे तक कॉपी किया है मैंने। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड में भी दोनों बेडरूम वही हैं, दोनों किचन है आपका, इधर दोनों लेटरन बाथ है, किचन, आगे भी बेडरूम। बस आगे वाला जो पोर्च था वो देखिए थोड़ा सा हट के डिज़ाइन कर दिया है, बाकी साला सिमिलर है। और लास्ट में मैंने 3.5 फुट का चारों तरफ बाउंड्री कर दी है, फ्रंट में ये झरोके टाइप के कुछ डिज़ाइनिंग कर दी है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस मॉडल की तो आपको बेहतरीन देखने को मिलता है जिसमें फ्रंट एलिवेशन एक नॉर्मल। और इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो ये लगभग 36x38 फिट में है। तो इसकी कॉस्ट अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर विजिट करें और वहाँ पर एक एप्लीकेशन है इसका नाम है स्मॉल हाउस प्लान, उसे आप जरूर डाउनलोड करें। तो ये पूरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।